हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बिलीव इन लर्निंग आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के लास्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है कैपिटल मार्केट आज हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट पर कि कैपिटल मार्केट है क्या सो so, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट है क्या कैपिटल मार्केट में दो चीज़ें आती हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पहले हम मनी मार्केट को पढ़ते हैं मनी मार्केट क्या है मनी मार्केट इज़ मेनली सेंटर ऑफ बेंग एंड सेलिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच आर ऑफ शॉर्ट टर्म्स नेचर विट सप्लाइज द शॉर्ट टर्म नीड ऑफ़ दॉरोवर्स मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ और एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे आप क्या करते हो आप अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को परचेज करते हो और सेल करते हो वो भी शॉर्ट टर्म नेचर में यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ परचेज और सेल करते हो अपने अपने शेयर्स डिबेंचर्स ये सारे ठीक है और साथ में इट सप्लाइज द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द दोरोवर और ये अगर किसी को उधार की ज़रूरत है लोन की जरूरत है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन प्रोवाइड करती है ये तो हो गया आपका मनी मार्केट कैपिटल मार्केट क्या होता है कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट मीन्स दी मार्केट विच सप्लाइज लॉन्ग टर्म लोन

ठीक ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन्स प्रोवाइड करती है आपको लॉन्ग टर्म के लिए नीड होती है जैसे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गई और आपकी एल हो गई आपके इंडस्ट्रियल बैंक्स हो गए ये सारी जो बैंक्स वगैरह हैं ये सारी इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करती हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करती हैं और कौन लोन लेता है आपकी इंडस्ट्रीज ट्रेड कॉमर्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स ये सब आपके क्या करते हैं लोन लेना चाहते हैं आपसे ओके नेक्स्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट का ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है एक होता है ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट और एक होती है अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट हमारी वो कैपिटल मार्केट होती है जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलती हैं किसकी आ, आपकी आरबीआई के एक्ट पर ओके okay? यानी कि ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट कौन होती हैं जो इंडियन कंपनीज सॉरी इंडियन बैंकिंग एक्ट पर चलती हैं इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर वर्क करती हैं वो आपकी कैपिटल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती हैं ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट और जो इनके अंडर नहीं चलती यानी कि इंडियन बैंक वो सॉरी इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसके अंडर वर्क नहीं करती हैं वो आपकी अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट बोली जाती हैं ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट क्या होती हैं यहाँ पे आपकी जैसे गवर्नमेंट हो so, हो गई उनको अगर नीड है तो वो यहाँ से अपना कैपिटल फ़ंड रेज़ कर सकती हैं ओके okay? तो वो यहाँ से रेज करती हैं सो so, ये चीज़ है आई विश इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी इसमें कोई डाउट नहीं नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आर परचेज एंड सोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन ये अकॉर्डिंग टू पाइल दे रखा है इनकी डेफिनेशन है मींस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके लिस्टेड सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो और वहाँ पे अपना स्पेकुलेशन भी करते हो जिसको आप सट्टेबाजी कहते हैं ओके okay? तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी जगह है जिसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ही ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट आती हैं ये एक पूरा नेटवर्क होता है एक पूरा मार्केट है जिसमें आप क्या करते हो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों ही आपको मिलेंगी ओके okay? सो so ये होती हैं जहाँ पे आप अपने और यहाँ पे आपकी जितनी भी वो कंपनीज़ हैं वो सारी लिस्टेड होती हैं अपने शेयर्स को इशू करने वाली जितनी भी शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह सारे लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं इस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इनके फंक्शंस क्या हैं इनका फंक्शन है बेटर क्रेडिटेबिलिटी, ये एक अच्छा क्रेडिट आपको प्रोवाइड कराती हैं वाइड मार्केट एक मार्केट का एक बहुत ही बड़ा वो नेटवर्क है वाइड मार्केट है लेज़र प्राइस फ्लक्चुएशन इनकी प्राइस फ्लक्चुएशन कम होती है ये नहीं कि हर बार बढ़ रही है कभी कुछ कभी कुछ फ्लक्चुएशन यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन कम होता है लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने की है तो आप उसको कैश में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो जब आपका मन चाहे लिक्विडिटी करने में इजी है लोन ऑन सिक्योरिटीज आप अपनी सिक्योरिटीज़ पर लोन ले सकते हो मतलब आप सिक्योरिटीज़ के ऊपर लोन ले सकते हो या आपको ज़रूरत है तो जैसे फॉर एग्जांपल लोन लेना आपके डिबेंचर्स आपकी कंपनीज क्या करती है पब्लिक से लोन ले रही है तो वो सिक्योरिटीज़ के बिहाफ़ पे ही तो ले रही है तो लोन ऑन सिक्योरिटीज फेयर डीलिंग एक सही डीलिंग होती है ये नहीं कि कुछ भी बता दिया जाए इन्वेस्टमेंट्स गाइड वहाँ पे आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कैसे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कैसे नहीं होती हैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको फुल डिस्क्रिप्शन दी जाती है पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है पूरी गाइडेंस दी जाती है नेक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन आप कैपिटल फॉर्म कर लेते हो आपकी कंपनीज़ हैं उनको कैपिटल की नीड रहती है तो वो कहाँ से कैपिटल बनाती हैं इतने करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आती हैं तो यही कैपिटल मार्केट से ही इन्वेस्ट करती हैं यहीं से ही पैसा बनाती हैं वो लोग उनको यहीं से ही कैपिटल फॉर्मेशन करने का एक जरिया मिलता है यहीं से वो अपना कैपिटल फॉर्म करती हैं इनको रेगुलेट करने के लिए इनको रेगुलेट करने के लिए कौन है सीबी सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको आप सेबी बोलते हो इसका फुल फॉर्म है इज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कौन इसको किसने इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इस्टेब्लिश किया था सेबी इश्यूज़ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू ब्रोकर्स वर्किंग इन दी कैपिटल मार्केट आपकी जो सेबी है उन्होंने क्या किया उन्होंने रजिस्ट्रे मतलब आपकी जो सेबी वो क्या करती है वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जब तक सेबी नहीं थी तो कोई ऐसा वो नहीं रहता कोई भी ब्रोकर हो जाता था बट आफ्टर सेबी सीबी के आने के बाद सीबी ने क्या किया इशू किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसको ब्रोकर्स के लिए कि जो भी ब्रोकर्स हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में काम करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तभी वो क्या कर सकते हैं एज अ ब्रोकर वर्क कर सकते हैं वर्किंग इन दी कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट में काम करने के लिए उनके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है एंड इश्यूज़ डायरेक्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सेव गार्ड्स दी इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और ये क्या करती है डायरेक्टर्स को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म भी करती है इशू भी करती है ताकि वो क्या कर सकते जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं वो सेफ रहें उनके लिए उन्होंने क्या बनाया वो सेफ रहे उसके लिए इन्होंने क्या किया टाइम टू टाइम डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चीज़ों को देखना सीबी के पास ये भी राइट है कि वो किसी भी कंपनी को वो चेक कर सकती है किसी भी कंपनी को चेक कर सकती है या चेक करने के ला का ऑर्डर्स दे सकती है उसके पास ये पूरे राइट्स हैं आपकी सेबी के पास सेबी बनाई ही इसलिए गई कि आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो इतना इन्वेस्ट करते हैं तो उनका पैसा कहीं पे भी फालतू में यूज़ ना हो ये ना हो कि उनका पैसा कहीं फंस रहा है सो फ्रॉड से बचने के लिए और उससे बचाने के लिए क्या किया गया सी को ऑर्गेनाइज किया गया आई विश आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसमें कोई डाउट नहीं है अगर है सो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा और आज हमारा थर्टी डेज़ का प्लेच यहीं पे ओवर होता है बाकी हमसे कनेक्टेड रहिए ऐसे ही नए लेक्चर्स आपको मिलेंगे सो स्टे कनेक्टेड विद अस थैंक यू